सुल्तानपुर में साल 2020 में एक शख्स ने 7 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। बच्ची के दादा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ और आखिरकार अब आरोपी को कोर्ट ने ऐसी सजा सुनाई है जिससे वो अब अपनी करनी पर पछता रहा है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। मामला 18 फरवरी 2020 का है। सुल्तानपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पूरब गांव में रहने वाले श्यामलाल मौर्य के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया। ये मुकदमा 7 साल की मासूम के दादा ने दर्ज कराया था। पीड़िता के दादा का आरोप था कि घर में अकेली पाकर उनकी नातिन के साथ श्यामलाल ने दुष्कर्म किया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी श्यामलाल को गिरफ्तार किया गया। 7 नवंबर 2020 को कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ चार्ज फ्रेम करके मामले का ट्रायल शुरू किया। मामले का विचारण स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट की अदालत में चला। ट्रायल के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को बेकसूर भी बताया। वहीं पीड़ित पक्ष से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने आरोपी श्याम लाल मौर्य को घटना का जिम्मेदार ठहराया। इस मामले में आरोप साबित होते ही स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी को उम्र कैद और 52,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि का 75% पीड़ित पक्ष को देने का आदेश पारित किया है। फिलहाल इस फैसले के आने के बाद से पीड़ित पक्ष काफी खुश है। वहीं आरोपी पक्ष में खलबली मची हुई है क्योंकि उन्होंने अपनी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया था कि आरोपी को बचा सके। ये खबर हमारे संवाददाता अंकुश यादव ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। साथ ही अगर आप यूट्यूब पर इस खबर से रूबरू हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।